Hello all warriors, you are also warriors because you are sitting in your houses. Sitting is also very much good act because you know when you wander, move here and there, you can spread corona or you'll be helpful in spreading corona. So sitting in the houses is also an act of being warrior. मतलब योद्धा होने का परिचायक है घरों में रहना. घरों में बैठे रहिए, चिंता मत कीजिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग हैं ना. हर चीज़ आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा. क्लास आप चूज़ कीजिए, कौन सा क्लास क्या पढ़ेंगे. अभी 8 क्लास का मैसेज आ रहा है, 8 क्लास का भी वीडियो मैं आपको करने जा रहा हूं. लेकिन पहले आप अभी जो चल रहा था टेंस, उसी टेंस का थर्ड पार्ट मैं अभी कर रहा हूं. तो थर्ड पार्ट में पहला पार्ट आपने देखा था प्रेजेंट टेंस में टेंस का डेफिनेशन बताया गया था. उसके बाद टेंस के जो टाइप्स थे उसमें पहला था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन और उसके सारे टाइप्स बता दिए गए थे. चारों में आपको वर्ब्स का फॉर्म्स बता दिया गया था, साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर, उनका यूज, दिस ऑल थिंग्स हैव बीन टॉट ऑलरेडी. नाउ वी आर एट द अनदर टॉपिक इन द सेम सेगमेंट इन द सेम पोर्शन, दैट इज पास्ट टेंस. लेट अस डू इट. और पास्ट टेंस में क्या कहते हैं तो इसको देखिए. The form of verb which depicts past time is said to be in the past tense. ये पास्ट टेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिपिक्ट्स पास्ट टाइम, मतलब वर्ब का वह फॉर्म जो पास्ट टाइम को डिपिक्ट करता है या पास्ट टाइम को बताता है उसे पास्ट टेंस में माना जाता है. वर्ब के का ऐसा फॉर्म जो पास्ट टाइम को बताता है या डिनोट करता है उसको पास्ट टेंस में माना जाता है. अब कौन सा वर्ब का फॉर्म पास्ट टाइम को दिखाता है ये हम लोग इसके टाइप्स में पढ़ेंगे. चूंकि यू नो देर आर फोर टाइप्स ऑफ इच काइंड ऑफ टेंस, तो पास्ट टेंस के भी चार हो गए. उसमें से दो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर बाकी दो को अगले क्लिप में, क्योंकि सभी को एक साथ करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उतना ज़्यादा समय आपका एक साथ लूँ. दिस इज़ वाई आई हैव डिवाइडेड द होल थिंग्स इन टू सेगमेंट्स. फर्स्ट टू सेगमेंट्स हैव बीन प्रोड्यूस टू यू. नाउ द थर्ड सेगमेंट इज़ रेडी फॉर यू. You see, take your pen and paper and come with me. Start studying with me. Let us start. सबसे पहला जो ये past tense का type है, जैसे आप simple present पढ़ रहे थे उसी तरह इसमें simple past है या past indefinite, इसी को simple past कहिए या past indefinite कहिए. अब ये क्या है तो इसमें ऐसे कार्य व्यापार या ऐसे actions को denote किया जाता है जो past में बीत गया था या past में समाप्त हो चुका था या पास्ट में वो हैबिचुअल एक्शन में था. तो इसको क्या कहेंगे, इट डिपिक्ट्स, जनरली इट डिपिक्ट्स हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. मतलब पास्ट में हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है. हिंदी में पहचान, जैसे मैंने बाकी के लिए भी बताया, हिंदी में पहचान क्या है इसकी, तो ता था, ती थी, पढ़ाती थी, अच्छा पढ़ाते थे, ते थे, ये हिंदी में जनरली इसका पहचान है. वह गया भी अगर कहा जाता वह गया तो इसका मतलब वह जाता था ही, ही वेंट ही होगा, है ना. वह गया, वह जा चुका था तो ये अलग है, लेकिन यहाँ गया केवल है तो वेंट डालेंगे, मतलब पास्ट में ही जाएगा. लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जो काम आदतन इरादतन रेगुलरली किए जाते थे उनके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. हिंदी में ता था, ती थी, ये है. अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता था, चाहे मैं रोज़ खेलने जाता था, चाहे मैं रोज़ फुटबॉल खेलता था, तो आई प्लेड. स्ट्रक्चर पहले देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है. सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू, वर्ब टू आपको पता है कि कौन सा फॉर्म है, वी टू जो है पास्ट फॉर्म है. वी टू मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज नोन एज
पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट फॉर्म वर्ब का पास्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट फॉर्म सिंपल पास्ट में लगता है। तो एग्जांपल, आई एट अ मैंगो, चाहे आई एट मैंगोज भी बोल सकते हैं, मतलब मैं आम खाया कर खाता था, तो आई एट मैंगोज भी हो सकता है। तो ये हो गया। वहीं अगर इसमें एक ही फॉर्म होगा, वी टू होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लुरल हो, कोई भी पर्सन हो, कोई मतलब नहीं। जैसे वह पत्र लिखता था, तो ही रोट अ लेटर, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। वहीं नेगेटिव स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड लग जाएगा, अ प्लस नॉट होगा। वहाँ डू डज लगता था, सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगता था, इसमें डू डज दोनों के जगह पर एक ही लगेगा, डिड, और सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, यहाँ वी टू अब नहीं लगेगा, वी वन लगेगा, मतलब रूट फॉर्म वर्ब का लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या एग्जांपल है। जैसे आई एट मैंगोज, तो इसको अगर बनाना है तो आई डिड नॉट, या डिंट भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, आई डिड नॉट ईट, वी वन हो गया, एट था यहाँ, अब ईट हो गया, क्योंकि यहाँ वी वन है वर्ब फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिड नॉट ईट मैंगोज, ये हो गया। अब इसका बनाएंगे तो इसके साथ भी डिड ही लगेगा, क्योंकि इसमें केवल डिड ही एक ही ऑप्शन है, उसमें डू और डज था, इसमें केवल डिड है, तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। तो दीज आर द टू सेंटेंसेस एंड नेगेटिव। अब इंट्रो में जाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो डिड इसका पहले आ जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट और नोट ऑफ इंट्रोगेशन हो जाता है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन जरूर डालेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान ही है। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, वाइल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखेंगे। अब एग्जांपल देखिए, जैसे इसी का देखिए ना, जैसे आई डिड नॉट ईट मैंगोज है, तो डिड आई ईट मैंगोज क्वेश्चन मार्क। फिर वैसे ही डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, तो लाइक दिस वे यू कैन राइट ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट। इसमें और भी सेंटेंसेस और भी मतलब यूजेज हैं इसके, तो बाकी के यूजेज तो हम लोग टाइम एंड टेंस में पढ़ेंगे। यहाँ तो टेंस का एक परिचय है कि सिंपल पास्ट में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उसको हमने बताया। टाइम एंड टेंस में सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का उपयोग और किस किस तरह के सेंटेंसेस में होता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी किया जाएगा, और टाइम एंड टेंस पढ़ते समय पढ़ा जाएगा। पहले टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी ग्रामर के पोर्शंस जो इससे रिलेवेंट है, रिलेटेड है, दैट विल बी ऑल्सो टॉट। तो दिस वॉज फर्स्ट सेगमेंट ऑफ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट वी हैव गॉन थ्रू। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात है, तो डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट इंट्रो, ये नीचे यहाँ कवर कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हम इंट्रो नेगेटिव की बात करते हैं, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर डीड के साथ नॉट डाल दीजिए, आप प्लस ऑब्जेक्ट डालिए, प्लस बी वन डालिए, या ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दूसरा डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। डीड के साथ नॉट डालिए या सब्जेक्ट के बाद नॉट डालिए, दोनों में से कोई यूज हो सकता है। तो दिस वाज स्ट्रक्चर, ये पहले भी ऐसे ही चलते रहा था, इसलिए यू हैव टू बॉदर अबाउट दैट। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इन द सेम टेंस, पास्ट टेंस, दिस इज यू नो पास्ट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। देर आर थ्री नाम्स, एनी ऑफ दिस थ्री नेम्स कैन बी नोन, मतलब किसी भी एक नाम से जाना जा सकता है, एनी ऑफ दिस थ्री। जैसे पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। नाम से शुरू है, नाम से मतलब क्लियर हो रहा है, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, या प्रोग्रेसिव मीन्स द वर्क वॉज इन प्रोग्रेस, द वर्क वॉज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन पास्ट। वैसे एक्शन को डिनोट करने के लिए ये पास्ट इम्परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिख सकते हैं इट डिनोट्स एन एक्शन विच वॉज
विच वॉज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में यह ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो पास्ट में कुछ समय तक चल रहा था, जैसे मैं खेल रहा था, वे लोग पढ़ रहे थे, यदु जा रहा था, शिक्षक पढ़ा रहे थे, मीन्स द वॉक वॉज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट, दिस एक्शन इज डिनोटेड बाई पास्ट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। ये ध्यान में रखना है। हिंदी में पहचान के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, फ़र्क क्या है? तो रोज मीन्स हम लोग कहते हैं रोज मीन्स गुलाब, तो रोज मीन्स गुलाब का नहीं, गुलाब नहीं, हम ये कह सकते हैं कि वॉट रोज इन इंग्लैंड द सेम गुलाब इज इन इंडिया। रोज डजेंट मीन गुलाब, इंग्लैंड के रोज जैसा इंडिया का गुलाब होता है, दिस इज वाई दिस इज सेड दैट रोज मीन्स गुलाब। तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर ठीक है, सिमिलर है, बहुत जगहों पे मिलते हैं, लेकिन हम बिल्कुल दोनों को मेल नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट एक्सेंट्स, बोथ ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट स्पीकर्स, बोथ ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट ओरिजिन्स, सबके अलग 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 सर्कमस्टांसेस और सर्कमफेरेंसेस रहे। हिंदी कहाँ से आया, इंग्लिश कहाँ से आया, हिंदी जैसे संस्कृत की पुत्री है, कई भाषाओं की खिचड़ी है, इसमें उर्दू के भी शब्द आते हैं, जैसे देशज विदेशज ये सब तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी लैटिन वर्ड्स भी आते हैं, फ्रेंच वर्ड्स भी आते हैं, मेनी वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश अल्सो। तो इंग्लिश भी एक खिचड़ी भाषा, तो दोनों के ग्रामर ठीक है मिलते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदी में जो पहचान है बिल्कुल वही इंग्लिश में भी होगा। लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, वी लिव इन द सेम प्लेसेस वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी, इवन आवर पेरेंट्स, आवर गार्जियंस, एंड इन आवर सर्कमफेरेंस द पीपल हु आर ड्वेलिंग दे ऑल्सो स्पीक हिंदी, दिस इज वाई वी कनेक्ट आवर सेल्फ वी इन हिंदी एंड ट्रांसलेट दोज हिंदी सेंटेंसेज इन इंग्लिश। बट स्टडिंग इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामर, दिस इज वेरी मच प्रॉपर एंड इम्पॉर्टेंट और कैन बी सेड रिलीवेंट टू नो इंग्लिश ग्रामर या और इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए स्पोकन इंग्लिश की बात की जाती है कि आप इंग्लिश में समझे इसको, लेकिन मैं हिंदी में फिर लिखता हूँ। इसको कहते हैं रहा था, अंत में होता है रही थी, रहे थे, ऐसे होता है अंत में। अब इसका फिर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान देना है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर वहीं प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये था सब्जेक्ट प्लस एम इज आर था, यहाँ एम इज आर के जगह पर वाज वेयर है। एम इज किसके लिए हो गया, वाज, एम इज के जगह पर वाज हो गया, और वहाँ जो आर था उसका वेयर हो गया, आर वहाँ प्लुरल वर्ब था, यहाँ वेयर प्लुरल वर्ब हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, उसके बाद अब वेयर डाल करके देवर राइटिंग लेटर्स, तो ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो गए, एक में वाज और दूसरे में वेयर, चूंकि वेयर प्लुरल वर्ब है इसलिए प्लुरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंसेज जो है, दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें बस नॉट डाल देना है किसके बाद, एक्सिलरी वर्ब के बाद, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसी का ले लीजिए। जैसे एग्जांपल आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेक्स्ट देवर नॉट राइटिंग लेटर्स, ये सेंटेंसेस हो गए, बस नॉट डाल देंगे इसमें, यह नेगेटिव हो जाएगा।
अब उसके बाद इंट्रोगेटिव में जाते हैं हम लोग। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो यही एक्सिलरी वर्ब पहले ला देंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यू नो व्हाट विच डब्ल्यू एच क्वेश्चन जिसको कहते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट विच वेयर हुम हुज दीज ऑल आर डब्ल्यू एच क्वेश्चन, दे कम बिफोर एक्सिलरी वर्ब इफ दे आर बींग यूज। अगर इनका यूज होता है तो ये एक्सिलरी वर्ब के पहले यूज होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो बस ऐसे हम सिंपल बना सकते हैं। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और नितांत रूप से क्वेश्चन मार्क, दिस वुड बी गिवन। एग्जांपल, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, इसी में एक इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वेयर दे नॉट राइटिंग लेटर्स, तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये पहला जो है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपने ये सिंपल ये पास्ट टेंस के जो दोनों टाइप्स हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, बोथ ऑफ द सेगमेंट्स यू हैव सीन ऑलरेडी। सिक्स स्ट्रक्चर, थ्री स्ट्रक्चर्स इन दिस सेगमेंट एंड थ्री स्ट्रक्चर्स इन दिस सेगमेंट, नॉट थ्री कैन बी सेड फोर सेगमेंट, फोर स्ट्रक्चर्स इन दिस सेगमेंट एंड फोर स्ट्रक्चर्स इन दिस सेगमेंट्स मीन्स एट स्ट्रक्चर्स हैव बीन शोन टू यू ऑलरेडी। नाउ इट्स योर प्रायर ड्यूटी टू मेक एट लीस्ट 16 सेंटेंसेज, एट फ्रॉम दिस सेगमेंट एंड एट फ्रॉम दिस सेगमेंट, एंड आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर यू आर डूइंग इट प्रॉपरली और नॉट। आप इसको अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे आप 8-8 सेंटेंसेज बनाइए। रोज़ रोज़ के जीवन में जो सेंटेंसेज आते हैं उनको बांटिए कि किस टेंस से जाता है, तो आपको इस टेंस का ज्ञान और ये स्पोकन या रिटन इंग्लिश में भी आपको मतलब हेल्प मिलने वाला। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये दो करे हुए हैं, बाकी दो फिर अगले क्लिप में आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगला क्लिप आपको पहुँचता रहे, अन्यथा आप अगर किसी लिंक के थ्रू देखते हैं तब तो लिंक आप तक पहुँचेगा तब ना आप जानेंगे, लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिस वीडियो विल गो यू स्ट्रेट वे। ये वीडियो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सीधे आपके पास जाएगा कि बिना किसी बाधा के, कोई ऑब्स्टेकल रास्ते में नहीं होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से कम मेरा मोटिवेशन ज़रूर होता है और मुझे ज़रूर कुछ मिलता है। अब क्या मिलता है वो बाद की बात है, बट एटलीस्ट यू सब्सक्राइब एट फर्स्ट। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।